हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लेट्स अनबॉक्स पे। और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं बोट बेस बड्स X1, जो कि है एक बजट ईयरफोन। ये हमको काफ़ी कम कीमत में देखने को मिल जाते हैं, तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी और कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, साथ ही क्या है इसकी कीमत। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स। तो ये रहा बॉक्स हमारे बोल्ट ऑडियो X1 ईयरफोन्स का, जहाँ पे सबसे आगे में मेंशन किया गया ईयरफोन्स का नाम। बॉक्स के एक साइड में है बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग और दूसरे साइड में हाईलाइट किया गया है इसके कुछ फीचर्स को, जहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है एल शेप्ड कनेक्टर को, साथ ही 1 ईयर की वारंटी, एक्स्ट्रा बेस, डीप बेस और 3D एकॉस्टिक्स, बिल्ट इन माइक और साथ ही बिल्ट इन माइक्रो वूफर्स। साथ ही इसके बैक साइड में मेंशन किया गया है इसकी MRP को, जो कि है 999 रुपीज़, बट ये आपको 349 से 399 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ कस्टमर केयर एड्रेस मेंशन किया गया है। इसके अलावा कंप्लेंट्स और अदर क्वेरीज के लिए यहाँ आपको एक ईमेल एड्रेस और एक नंबर भी अवेलेबल कराया गया है, जहाँ पे आप अपने क्वेरीज और कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। अब इसे जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या है इसमें बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो यहाँ सबसे पहले हमें दी गई है एक वारंटी कार्ड, जहाँ पे हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है इन ईयरफोन्स के लिए। तो यहाँ हमें एक वेबसाइट दिया गया है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक QR कोड भी दिया गया है, आप उसको स्कैन करके अपने ईयरफोन्स की वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें देखने को मिल जाते हैं हमें ये हमारे ईयरफोन्स। साथ ही यहाँ पे हमें दिया गया है 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयरबड्स और ईयर ग्रिप्स के। तो यहाँ हमें एक ईयर ग्रिप और ईयरबड्स के पेयर ईयरफोन में लगे हुए मिल जाते हैं और बाकी 2 एक्स्ट्रा पेयर दिए गए हैं। तो यहाँ टोटल 3 पेयर हमें देखने को मिल जाते हैं इस ईयरफोन्स के साथ, जो कि तीनों ही अलग साइजेस में आते हैं। तो यहाँ दिया गया है एक स्मॉल, एक मीडियम और एक लार्ज पेयर इन ईयर ग्रिप और ईयरबड्स का, जिनको आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बात की जाए कलर वेरिएंट्स की, तो यहाँ हमें एक रेड कलर, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन, ब्लैक कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ये 4 कलर वेरिएंट्स दिए गए हैं इन ईयरफोन्स के लिए। तो अभी हमारे पास रेड कलर वेरिएंट वाला ईयरफोन अवेलेबल है। अभी बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स के बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ हमें एल्युमिनियम बॉडी दी गई है, साथ ही यहाँ पे हमें मैग्नेट्स नहीं दिए गए हैं इन ईयरफोन्स में। बात की जाए ईयरफोन्स के डिज़ाइन की, तो यहाँ हमें एक बोल्ट ऑडियो का लोगो दिया गया है, साथ ही एक मेटेलिक फिनिश है यहाँ पे। साथ ही ये ईयरफोन्स थोड़े एंगल्ड है, तो उससे हमें फिटिंग्स में काफ़ी मदद मिल जाती है। इसके अलावा ये जो ईयर ग्रिप्स दिए गए हैं वो इसके फिटिंग्स को और भी बेहतर बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ जो नेट है वो हमें कपड़े का दिया गया है। बात की जाए इसके केबल क्वालिटी की, तो यहाँ हमें ब्रेडेड केबल नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से केबल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ। तो यहाँ पे हमें दिया गया एक 1 बटन माइक्रोफोन, जिसका यूज़ करके हम कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं, साथ ही गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस बटन का यूज़ करके हम म्यूज़िक को फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ बैक साइड में एक बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग दी गई है, साथ ही यहाँ जो बटन की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए हमें कोई बटन नहीं दिया गया है। यहाँ हमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, जो कि गोल्ड प्लेटेड है। साथ ही ये टोटली एल शेप तो नहीं है, बट ये कर्व्ड है और ये प्लास्टिक की हाउसिंग में फिट की गई है। तो इसकी जो कर्व्ड शेप है और इसकी फिटिंग इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अभी चेक कर लेते हैं कैसी है इस ईयरफोन की फिटिंग्स। तो यहाँ मैंने ईयर ग्रिप्स और ईयरबड्स के साइज को चेंज किया और मुझे काफ़ी अच्छी फिटिंग देखने को मिली इन ईयरफोन्स की। और यहाँ पे मैंने शेक टेस्ट भी किया, तो यहाँ पे फिर भी ईयरफोन्स नहीं गिर रहे हैं। तो यहाँ पे फिटिंग्स काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है इन ईयरफोन्स की। अभी मैं इसकी साउंड क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी आप एक ऑडियो सैंपल सुन सकते हैं।
यहाँ अगर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इस ईयरफोन की साउंड क्वालिटी इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी बैलेंस्ड है, और साथ ही जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी क्लियर और बहुत ही अच्छी है। यहाँ इन ईयरफोन्स का यूज़ आप गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ हमें जो बेस है वो ज़्यादा हैवी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ हमें काफ़ी बैलेंस्ड साउंड और बेस दिया गया है, जिसके वजह से ये ईयरफोन्स आपके गेमिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और फिटिंग्स जो है इस ईयरफोन की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा ये ईयर ग्रिप्स दिए गए हैं उससे इसकी फिटिंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओवरऑल बात की जाए इन ईयरफोन्स की, तो यहाँ हमें जो साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और जो फिटिंग्स दी गई है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। यहाँ मैंने प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका बजट 400 के बिलो है तो आप डेफिनेटली इन ईयरफोन्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू इसी बोल्ट बेसबड्स X1 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में, और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लेट्स अनबॉक्स को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।